एक प्याली कद्दूकस की हुई गाजर डाल लेंगे। इसका आप मोटा वाला कीमा भी बना सकते हैं, आप दे सकते हैं, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। एक स्नैक्स लेंगे, अंडे में डिप करेंगे, माशाल्लाह आप दे सकते हैं। आधी छोटी प्याली ऑयल डाल लेंगे, दो बारीक कटे हुए प्याज डाल लेंगे। प्याज को 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को मैंने 3 मिनट के लिए पका लिया है। एक चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल लेंगे, लहसुन डाल के इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। लहसुन डाल के 1 मिनट तक मैंने इसे पका लिया। एक प्याली बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल लेंगे, एक प्याली बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेंगे, एक प्याली कद्दूकस की हुई गाजर डाल लेंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे, सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे, एक पाव बारीक कटा हुआ चिकन डाल लेंगे। इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसका आप मोटा वाला कीमा भी बना सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब इसमें मसाले डाल लेंगे। अब चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा हल्की कर लेना। एक चम्मच नमक डाल लेंगे, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा। अब चूल्हे की आंच को मीडियम कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों को। मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। चम्मच चलाते हुए ऐसे ही मीडियम आंच पर इसे भून लेंगे। सब्जियां भी हमारी पक जाएगी, साथ में हमारा चिकन भी पक जाएगा। सब चीज़ों को ना मैंने अच्छी तरह पका ली है। एक प्याली सूजी डाल लेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट तक भून लेना। इसे अच्छी तरह सूजी का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। सूजी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करके मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। एक प्याली मैंने सूजी डाली है, अब 2 प्याली पानी डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हल्की आंच पर पका लेना, फुल आंच पे नहीं पकाना। दो प्याली पानी डाला है, आप इसमें 2.5 प्याली पानी भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह देखें, सूजी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे दूसरे बर्तन में डाल लेंगे, आप दे सकते हैं। अब इसे ठंडा कर लेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों को। इसके स्नैक्स तैयार कर लेंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। माशाल्लाह देखें, इसी तरह सबको तैयार कर लेंगे। 3 अंडे इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। एक स्नैक्स लेंगे, अंडे में डिप करेंगे। अंडा लगा के इसे ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। सब स्नैक्स को इसी तरह ब्रेड ग्राम और अंडा लगा लेंगे। सबको मैंने ब्रेड ग्राम लगा के तैयार कर लिया है, अब इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, अब इसे चेक कर लेंगे। ऐसे ही एक तील ले लेना, स्टिक ले लेना,
उसके साथ इसे चेक कर लेना, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके स्नैक्स डाल लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे, बाद में इसे उलटाएंगे। अब इसे उलटा लेंगे। ये वाली साइड से भी 2 मिनट तक पकने देंगे। इसे मीडियम आंच पर पकाना, फुल आंच पे नहीं पकाना, यहीं तो जल्दी ही जल जाते हैं ये। माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं, इसे बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह स्नैक्स हमारे कितने ही अच्छे बने हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।